गौतम। एक कमरा, कमरे में पड़े दो पलंग। एक पलंग पर एक शख्स बैठा किताब पढ़ने में मुनहमिक है। अपनी वज़ाकत से एक सीधा सादा आम आदमी मालूम होता है, पर अंदर से एक दानिश्वर है, अदीब है और शायर भी। उस शख्स का नाम फैज़ तौंसवी है। ये फ़िक्र तौंसवी के शहर तौंसा का रहने वाला है। कराची में आज से 25 साल कब्ल वारिद हुआ और यहीं का हो रहा। पेशा मौलमी का इख्तियार किया, पर ज़बान व कलम को इनकलाब का ज़रिया बना लिया। समाज में इनकलाब तो न ला सका, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इनकलाब आ गया। और उसने अपने इनकलाब की इमारत में पहली ईंट शादी न करने की लगाई, और इस इमारत को इतना मजबूत बना दिया कि हनूज़ औरत के सीमो नूर से महफूज है। अपनी ज़िंदगी में मगन, खुद पकाना और खुद खाना, और कभी कभी कामो दहन की लज्जत होटल पर आजमाना। कदीम व जदीद शौरा का चलता फिरता दीवान आप जिसको हाथ लगाएं, शेर खुद ब खुद बोल पड़े, और जब चौधरी हफीज साथ हों तो सट्टू सट्टू के मुतालबे पर शेरों की बारिश होने लगे, और शेर इतने बरसें कि हर सू जलथल हो जाए। और फिर ऐसे जलथल में मियाँ बशीर पंजाबी लतीफ़ों की पगडंडियाँ तामीर करने लगें, तो फिर सट्टू सट्टू की फरियादों के दरमियान शेरों का मेह बरसने लगे, और ऐसा बरसे कि दूसरे किनारे पर पहुंचना मुहाल हो जाए। अच्छा शायर है, मगर नामो नमूद का कायल नहीं, लिहाजा मुशायरों से दूर भागता है। साहिब दीवान है, पर दीवान छपवाने का कायल नहीं। आलिम गर है, पर खुद आलिम होने का दावेदार नहीं। इल्म की गठरी सर पर उठाए फिरता है, पर मंडी में आवाज़ नहीं लगाता। सिंधी है, मगर सरायकी बोलता है, लोग पंजाबी समझते हैं। राजपूत है, सूमरा कहलाता है, किसी का बाप नहीं पर साहिब औलाद है। दोस्त बनाता है, दोस्तियां बिगाड़ता नहीं। फैज़ तौसवी ने अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ रेलवे यार्ड में खड़ी बगैर इंजन की गाड़ी से किया था, जहाँ के मंज़र कभी नहीं बदलते। आखिर उसने ख़ुद को बदल लिया, शहर शहर करिया करिया फिरता रहा। पहला कयाम लाहौर में किया, जहाँ जहांगीर अपनी महबूबा मलिका नूर जहाँ के साथ अबदी नींद सो रहा है, जहाँ रावी बहता है, जहाँ ज़िंदगी चहचहाती है और शाम को परियों के परे उतर आते हैं, और चार सू बैर बहूटों की कतारें लग जाती हैं। वो लाहौर जहाँ उर्दू अदब की कौसे कज़ा पूरे शहर को अपनी आगोश में लिए रहती है, जहाँ गुलाबी जाड़ों की शामें सरे शाम ही गहरी हो जाती हैं और कहवा खाने जल्द ही आबाद होने लगते हैं। शायर और अदीब इन कहवा खानों में अपनी नशस्तें यूँ संभाल लेते हैं जैसे वो उनके अजदाद की मीरास हों। फैज़, जिसको लाहौर के अदबी हलके मुल्तानी के नाम से याद करते थे, जल्द ही आकर अपनी नशस्त पाक टी हाउस किंग सर्कल पर कब्ज़ा जमा लेता और एक क्वार्टर चाय का ऑर्डर देकर अपनी सोचों में गौतम की तरह गुम हो जाता। गौतम, जो अमन आश्ती का पायाम्बर था, जो ताजो तख्त छोड़कर जंगलों में निकल गया था, जो अपने धर्म में पक्का था। मुल्तानी भी गोया तोंसे में अपना ताजो तख्त छोड़कर शहर को जंगलों में निकल गया था, और उन जंगलों में अमन आश्ती का मुतलाशी था। मुल्तानी अपनी सोचों में पेचाओं गलता होता कि कहवा खाने में शौरा की आमद शुरू हो जाती और शेर व शायरी के दिए रोशन होने लगते। कतील आते, अदम आते और नासिर काजमी भी आ जाते, और कभी कभी आज के दौर के अदीबों के बाबा आदम अहमद नदीम कासमी भी वारिद हो जाते, और शायरी की महफिल गर्म हो जाती। मुल्तानी उनके कलाम को अपने दिल के आईने में उतार लेता और ये शेरी महफिल घंटों बपा रहती कि अचानक बाबा बाबा की आवाज़ें गूंजने लगती। बाबा आ गया, बाबा आ गया। वो बाबा कौन था? वो बाबा जहीर काश्मीरी है, जिसके गेसु और रंगो रूप ऐसा जैसे गोल्डन सेब, नाक ऑस्ट्रेलियन तोते की चोंच जैसी, शायरी जहीर फारियाबी के रंग में रंगी हुई। सब अदब से उठकर उसका इस्तकबाल करते और महफिल दोबारा अपना रंग जमा लेती, और बाबा अपने खूबसूरत शेर बिखेरने लगता। गर्क़े जामो सबू होता हूँ, शामिल हाव हू होता हूँ, जबकि सूरज गुरूब होता है, मैं कदे से तुलू होता हूँ। यहाँ तक रात ढलने लगती, बैरे बर्तन समेटने लगते, होटल की रोशनियाँ बुझने लगती, तो मुल्तानी का दिल भी बुझने लगता, और वो अपना बुझा बुझा दिल सीने में छुपाए हरकुलिस पर समनाबाद का रुख कर लेता, जहाँ रात और चारपाई मुल्तानी का इंतज़ार कर रही होती, और वो सुबह ताज़ा दम होकर सुलेमानिया हाई स्कूल का सदर मुदर्रिस बन जाता कि यही उसकी जीस्त का सामान था। मुल्तानी का दूसरा पड़ाव मुल्तान था, जहाँ हजरत शम्स तबरेज़ ने अपने जिस्म को जलाकर खुद ही खा लिया था, और अहले मुल्तान गर्मी की शिद्दत से तड़प तड़प उठे थे, जहाँ जकरिया भी हैं और रुकन आलम भी, जहाँ इल्म व इरफान की कंदीलें आज भी रोशन हैं। बकौले शायर, गर्दिश है मेरे पाँव में जंजीर नहीं,
फैज़ तो सैलानी है, और सैलानी के कदम कहाँ टिके हैं। सैलानी तो कदम ब कदम हरकत पजीर रहता है। यूं उसका सैलानीपन उसे कराची ले आया, जहाँ उसके देश का दरिया सिंधु बहरे अरब के पानियों में शामिल होकर खुद भी समुंदर बन जाता है। समुंदर जिसकी रूह हर लम्हे बेचैन और मुस्तरिब रहती है, जो सबको कबूल करता है पर उसे कोई कबूल नहीं करता। लिहाजा फैज़ भी अपनी ज़ात में समुंदर बन गया, और खुश्की पर समुंदरी करने लगा कि उसके अंदर के बेफैज़ मद्दो जज़र ने उसे दर्द का पत्थर बना दिया, और इस दर्द के पत्थर को उसने मैखाने में ला बिठाया, जहाँ जामो सबू की महफिल में वो खुद भी पत्थर का बन जाता। हाँ, पत्थर का बुत। फिर पत्थर का ये बुत अंदर अंदर ज़मीन में धंसता चला गया, और आखिर एक दिन यही बुत कराची की पथरीली ज़मीन का हिस्सा बन गया। अब कराची की सरजमीन पर उस बुत को तलाश करना मुमकिन नहीं, कि वो खुद रेजा रेजा होकर बेशुमार रेजों में शामिल हो चुका है। शायद अब ये रेजे हवा के दोष पे उड़कर उसके अपने वतन पहुंच जाएं, कि आखिर हर शय थक हार कर एक दिन अपने आशियानों में ही पनाह तलाश करती है। वो अपनी ज़िंदगी का तारुफ खुद अपने मखसूस शेरी लहजे में कुछ इस तरह कराता है। एक गुमनाम सा वीरान मकान जिसमें दिलजदा लोग रहा करते हैं तन्हा तन्हा। ऐ गमे यार इधर आ के तेरी उम्र दराज, तुझसे कुछ लोग गिला करते हैं तन्हा तन्हा। हम गुजर जाते हैं खामोश गुजरगाहों से, और फिर अपना पता करते हैं तन्हा तन्हा। फैज़ से तुमको तारुफ नहीं यारों तो सुनो, वो जो रातों को फिरा करते हैं तन्हा तन्हा। ये खाका फैज़ तौसवी की ज़िंदगी में तहरीर किया गया। अब वो अपने वतन तौसा में मदफून है।